देखिए, जब एक नया नया सेल डिवाइड हुआ होता है अपने पेरेंट सेल से, तो सबसे पहले वो पोषण ले लेकर खुद को बड़ा करता है, और खुद को बड़ा करने के साथ ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी साइज में दोगुना कर लेता है। फिर बाद में वो सेल क्या करता है, अपने आप को दो भागों में बांटकर हमारे शरीर में ग्रोथ का काम करवाता है। हमारी सेल अगर संख्या में बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का ग्रोथ भी होगा, और साथ ही साथ जो पुराने डेड सेल हो जाते हैं, जिनका शरीर में अब कोई काम नहीं रहता, उन्हें रिप्लेस करने का काम भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी ये वीडियो देखते देखते ही आप में न जाने कितने हजारों करोड़ों सेल डिवाइड हो गए होंगे। अब ऐसी चीज आपके शरीर में चल रही है और आपको पता ना हो, ये तो बिल्कुल अन्याय है स्वयं के साथ। चलिए जानते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको सेल साइकिल के बारे में समझना पड़ेगा। ये शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेल साइकिल। जैसे ही कोई नई नई सेल का निर्माण हुआ होता है, तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि सेल पोषण लेकर अपने आकार को बढ़ाए। एक सेल में कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह होता रहता है, जो इनके साइज को बड़ा करने में मदद करते हैं। जो सेल साइकिल होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है, एक वो जब सेल अपने आप को पोषण देकर अपना साइज बड़ा करती है और दोबारा से डिवीजन के थ्रू दो सेल में बटने की तैयारी करती है, इसे इंटरफेस कहते हैं। और सेल साइकिल का दूसरा भाग होता है माइटोसिस, जब शरीर में गैमेट सेल जैसे स्पर्म और एग के अलावा बाकी के शरीर सेल, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, अपना डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में गैमेट सेल यानी सेक्स सेल के अलावा जो भी सेल्स होती हैं, उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। देखिए, ये जो इंटरफेस होता है जिसमें सेल अपने आप को पोषण देकर आकार में बड़ा करती है, वो तीन भागों में बटा हुआ होता है। G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं, S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, G2 फेज, जिसे गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज के नाम से भी जानते हैं, और ये पूरी सेल साइकिल लगभग 24 घंटे की होती है। कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो एक बार स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होने के बाद दोबारा से कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते हैं, ये G0 फेज में ही रहते हैं। जैसे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन स्टेम सेल से डिफरेंशिएट हुआ, वो जीवन भर आपके दिमाग में डिवीजन के पर्सपेक्टिव से साइलेंट रहेगा, कभी भी न्यूरॉन डिवीजन के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन का निर्माण नहीं करेगा। और हार्ट सेल भी इसी तरीके से ही होती है, मसल सेल भी G0 फेज में ही रहती है। इन सभी सेल को क्विसेंट सेल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे सोमैटिक सेल्स जो सेल साइकिल के प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, ये इंटरफेस सेल साइकिल का लगभग 90% भाग होता है, जो कि 20 से 22 घंटे तक चलता है। इसमें पहला G1 फेज में क्या होता है, इसमें S फेज के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं, उन सब चीजों का इस फेज में सिंथेसिस होने लगता है। ये सेल साइकिल का 30-40% का भाग होता है, लगभग 10 घंटे का भाग। इस फेज में DNA पॉलीमरेज, RNA, mRNA, काम के प्रोटीन, वो सब निर्मित होने लगते हैं, यानी ये फेज मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज है। देखिए, G1 फेज के बाद सेल साइकिल अपने दूसरी फेज में पहुंचता है, जिसमें दूसरे फेज में पहुंचने से पहले इसमें पहले वाले फेज को एक चेक पॉइंट के थ्रू ये साबित करना होता है कि जो चीजें इस फेज में हुई हैं, वो सब चीजें ठीक से हुई हैं कि भी नहीं। एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ये क्या करता है, ये एक चेक पॉइंट की तरह होता है, और ये वो सब चीजें चेक करता है। अगर सब चीजें सही से हुआ है, तब ये प्रोटीन G1 फेज को आगे S फेज में प्रोसेस होने के लिए आगे बढ़ा देता है, और ये वाला प्रोटीन यानी चेक पॉइंट का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। S फेज में क्या होता है, DNA कंटेंट जो कि सेल के अंदर क्रोमेटिन के रूप में फैला हुआ है, वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, यानी DNA रेप्लिकेट होने लगता है। जो एंजाइम सिंथेसाइज हुए थे, जो DNA रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, वो सब DNA को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जिस प्रोटीन के ऊपर DNA रैप रहता है, यानी बंधा हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो भी इस फेज में बनना शुरू हो जाते हैं। और सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम, जो कि क्रोमोसोम के डिवीजन में मदद करता है, वो भी अब अपनी संख्या 1 से 2 करने लगता है रेप्लिकेट होकर। ये S फेज हमारे पूरे सेल साइकिल का लगभग 30-50% का भाग होता है, लगभग 10 से 12 घंटे का। इसके बाद एक और चेक पॉइंट, SG2 चेक पॉइंट, इस प्रोसेस को चेक करके सेल साइकिल के तीसरे फेज को आगे बढ़ाता है। ये चेक पॉइंट का जो प्रोटीन होता है, दरअसल DNA में जो रेप्लिकेशन हुआ है वो चेक करता है कि ये रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगला फेज चालू होता है, जो कि होता है G2 फेज यानी गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। ये G2 फेज लगभग 10 से 20% भाग होता है पूरे के पूरे सेल साइकिल का, लगभग 2 घंटे का। और
इसमें क्या होता है? इसमें काम के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होकर कई सारी संख्या में बढ़ जाती है। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे एटीपी का सिंथेसिस होता है ताकि सेल डिवीजन के समय बहुत ही हैवी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले एटीपी की आपूर्ति की जा सके। और इन सब के बाद हमारे सेल साइकिल का सबसे आखिरी स्टेज आता है जिसे एम फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस का फेज। माइटोटिक फेज भी दो फेजेस में जाकर बढ़ जाता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जहां कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस से है और काइनेसिस का मतलब अलग होना, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होता है किसी सेल के डिवीजन के समय। एक काम करते हैं, इस बात को यानी इस एम फेज को हम ढंग से अगले वीडियो में समझ लेते हैं, ये माइटोसिस का फेज आखिर काम कैसे करता है। तब तक आप इस सेल साइकिल वाले वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।